रेलवे भर्ती बोर्ड RRB द्वारा निकाली गई भर्तियों के लिए अप्लाई करने के अब कुछ ही दिन बचे हैं। तमाम भर्तियों के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 है। रेलवे भर्ती बोर्ड इस साल फरवरी में भर्ती के लिए 2 विज्ञापन SEN 01-2018 और SEN 02-2018 अधिसूचित किए थे। दोनों विज्ञापनों के मुताबिक कुल 89,409 पदों पर भर्तियां होनी है। RRB को दुनिया के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक माना जाता है। फिलहाल ये समूह सी पूर्व भर्ती समूह जी पदों के लिए भर्ती कर रहा है। विज्ञापन SEN 01-2018 के अनुसार उम्मीदवार का 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा उम्मीदवार के पास औद्योगिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ITI या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। विज्ञापन SEN 02-2018 के मुताबिक उम्मीदवार का 10वीं पास होने के साथ साथ उसके पास औद्योगिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। विज्ञापन SEN 01-2018 के अनुसार असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए दो भागों, पहला भाग CBT और दूसरा भाग CBT में परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोनों पदों के लिए यह परीक्षा कॉमन होगी। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अप्लाई करने वाले वो उम्मीदवार जो दूसरा भाग CBT क्लियर कर लेंगे, उन्हें कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना होगा। परीक्षा के सभी चरणों में अंक सामान्यीकृत होंगे। हेल्पर, विद्युत, ब्रिज, सिविल, PVA, ट्रैक मशीन, वर्क्स, मैकेनिकल, SNT, सिग्नल, दूरसंचार, मेडिकल, ट्रैक मेंटेनर, ग्रिड IV, हॉस्पिटल अटेंडेंट, असिस्टेंट पॉइंटमैन, गेटमैन और पोर्टर हमल स्वीपर कम पोर्टर के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। CBT में सफल होने वाले उम्मीदवारों को फिजिकल क्षमता परीक्षण PT से गुजरना होगा।